पहाड़ों की लड़की सबकी आंख अड़की। पहाड़ों का लड़का देख के अंग अंग भड़का। नहीं, पहाड़ों का लड़का सब पे भड़का। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू विकेतन पैराडाइज। कैसे हो आप सभी लोग? यस, सभी का विकेतन पैराडाइज में फिर से स्वागत है और आई नो सभी खुश है, स्वस्थ है। सो आइए हम आपको ले चलते हैं एक और न्यू ब्लॉग की तरफ। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इतना प्यार देने के लिए हमारे प्रीवियस सभी ब्लॉग्स के लिए। सो हमें इसी तरह से प्यार देते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और फॉलो करते रहें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। फिलहाल अभी है हम बसंतपुर में। बसंतपुर में तो यहाँ पे अभी हम एक फंक्शन में आए थे, आपको शायद म्यूज़िक की आवाज़ भी आ रही होगी, मैं दिखा दूँगा कहाँ पर वो फंक्शन है। सो उसके बाद अभी हम फ्री हो चुके हैं तो अभी हम करने जा रहे हैं थोड़ी सी किचन गार्डन से अपनी सब्जियां पिकअप करने जा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि मम्मी ने लगाई है यहाँ पे काफ़ी सारी वेजिटेबल्स और थोड़ी थोड़ी वेजिटेबल्स लग भी चुकी है, कुछ लगने वाली है। सो आज मम्मी बोल रहे हैं डिनर में क्या बनाया जाए, तो हमने सोचा आज हम अपने किचन गार्डन से फ्रेश फ्रेश वेजिटेबल्स यहाँ से तोड़ेंगे और उसे बनाएंगे। सो वही हम करने वाले हैं। मम्मी फिलहाल आ रहे हैं और अभी जो है देखते हैं क्या तोड़े और क्या क्या लगा है वो आपको बता देते हैं। ज्यादा नहीं देते हैं क्योंकि किचन गार्डन आपने हमारा काफी देखा है काफी समय से, प्यार भी किचन गार्डन को काफी आप लोगों ने किया है। सो उसके अकॉर्डिंग ही हम आपको दिखाते हैं और दिखाते हैं क्या क्या हो रहा है। ये मौसम पूरी फॉगी वाला मौसम था, अभी फिलहाल फॉग उस तरफ को चली गई है और ये देखिए आप नज़ारे गांव के, पूरा फील। अब चलते हैं अपने किचन गार्डन की ओर। तो ये देखिए आप, यहाँ पे काफ़ी कुछ लगा हुआ है और फ्लावर्स भी, ये देखिए ये भी आ चुके हैं हमारे गांव के। और एक और बात आप लोगों को बता देती हूँ, जो ये किचन गार्डन है इसकी शुरुआत मैंने अपने हाथों से की है। तो मुझे बहुत बेहद खुशी होती है जब मैं यहाँ आती हूँ, देखती हूँ कि मेरा जो किचन गार्डन है लॉकडाउन में जब मैंने स्टार्ट किया था ना सारा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उसको हरा भरा देखना। और हम लोगों को छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करना चाहिए, तो हम लोगों ने भी ये इनिशिएटिव लिया था और आज की डेट में हम अपनी वेजिटेबल्स खुद उगा रहे हैं, खुद खा रहे हैं। तो हमारे लिए गर्व की बात है, हम किसान हैं और हर एक व्यक्ति किसान है। अगर किसानियत आप लोगों के अंदर है तो उसे आप कहीं भी जगा सकते हैं, तो इंसानियत भी है अगर किसानियत है। मम्मी यहाँ पे, हेलो एंड इवन फ्लावर्स भी देखिए आप कितने प्यारे प्यारे हैं यहाँ पे, वाह शानदार। एंड इवन रोज वगैरह भी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, वो उस कॉर्नर में है, काफी अच्छे अच्छे फ्लावर्स है कलरफुल। तो सबसे पहले अच्छा ये कद्दू की बेल है। हाँ, और ये बेल जो है ये यहाँ से अब यहाँ को जाएगी, यहाँ से यहाँ को जाएगी, जब जाएगी तब हम दिखाएंगे। क्यों वन मोर फ्लावर, वाओ। यस ये रहा ब्रिंजल बैंगन हमारा, मतलब कि तकरीबन सारी ही सब्जियां हैं फिर तो। वन मोर, एक और। सो फ्रेश फ्रेश वेजिटेबल, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स हम खाने जा रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। और ये देखिए एक और फ्लावर्स, कितना प्यारा कलर है इनका भी, वाह। और ये क्या है, ये भिंडी है ना, ये देखो वाह, ये तो छोटे वाली है, ये बड़ी है, यहाँ देखो अलेडी फिंगर। यस, सो वो रहे और ब्रिंजल वहाँ पे, ब्रिंजल का बैंगन। एंड ये देखिए, यस फ्लावर्स, ये कलर भी काफी प्यारा है फ्लावर्स का। नाइस ना, कितना प्यारे लग रहे हैं। एंड दिस वन आल्सो, क्योंकि इसमें वाटर ड्रॉपलेट्स जो है ना, मेस्मराइजिंग, वाओ। तो विजू तोड़ेंगे भिंडी, लेट्स सी। एंड आई एम भिंडी, मेरे स्कूल का नाम भिंडी रहा है। ये देखिए हरी हरी, yes. बढ़िया बढ़िया भिंडी। मैं भिंडी लगी है।
बड़ी 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 वाली। अरे आप लोगों को किसान किसने बनाया? मैंने बनाया ना। ये वाली देखो, ये वाली भी रही। रही वहां पे काबू छुप रही है, वो देखिए वहां पे काबू और ये। सो हाँ देख लो, एक सब्जी लाएगी तोड़ो बस। शिमला मिर्च रही यहाँ पे, ये देखिए मैं इनको करीब से दिखाता हूँ शिमला मिर्च को। वाओ लुक एट द कैप्सिकम, वाओ क्यूटूशा शूटूशा। यहाँ पे कैप्सिकम भी कर देते हैं। मम्मी शिमला मिर्च तोड़नी है ना? शिमला मिर्च तोड़ी जा रही है। व्यूअर्स एक बात तो है, गांव में वैसे खैर मजे आ जाते हैं, आप किसी ना किसी काम में इन्वॉल्व रहते हैं, एंजॉय करते हैं। ये देखिए हमारी फ्रेश फ्रेश वेजिटेबल, लेडी फिंगर है, कैप्सिकम है और इवन ब्रिंजल है। नहीं क्यों नहीं, ये मैंने तो देखी थी। यस सो ये है हमारी खेती की फ्रेश फ्रेश सब्जियां और ये मेरे और निकी के लिए तो मोर देन इनफ है। पहली सब्जी और देखिए कितना अच्छा कलर और नेचुरल ऑर्गेनिक। मम्मी बोले पहली सब्जियां मेरे बच्चों के लिए। यस या मम्मी हमारे लिए बना रहे खाना और मम्मी ने बनाए है दाल चपाती और इसमें चावल प्रेशर दाल चपाती और प्रेशर, वाकई में खाली प्रेशर है। सो आप हमें प्यार देते रहें और हम इसी तरह के व्लॉग्स आपके लिए लाते रहेंगे और इतनी प्यारी प्यारी फ्रेश फ्रेश वेजिटेबल अपने घर की खाते रहेंगे। सो फ्रेंड्स अभी हम लोग बैठे हैं फिलहाल और यहाँ पे हमारी प्लानिंग चली है एक वो चीज़ खाने की जो हम मम्मी को लेके आए हैं, जैसे कि ये कोल्ड ड्रिंक। सबसे पहले ये मम्मी के लिए लाए हैं ना हम, ये यहीं पे वाली यहीं वाली थी क्या? जो भी पीना है पी सकते हैं। अच्छा ऐसी बात है। और ये फिलहाल हम छोटी मोटी चीज़ें मम्मी के लिए लाए हैं जो कि मम्मी के लिए हम सिर्फ बहाने से लाए हैं, बाकी हम लोग इसे खुद ही खा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं ये सारी चीज़ें और यहाँ पे हमारी वेजिटेबल्स। यस बनाना भी लाए हैं हम फिलहाल और क्या लाए हैं हम, ये लाए हैं है ना, और आधी चीज़ें हम खा भी चुके हैं। और ये है वो शख्स जो कि मम्मी की चीज़ें खा जाते हैं हर बार, क्या बोलना चाहेंगे? थोड़ी सी खाता हूं मैं। थोड़ी सी नहीं खाते, सारी खा जाते हैं हम लोग। ये हमारी एक दिन में हम जितना खा सकते हैं उतना खाते हैं, ये हमारी टेक्निक्स होती है। जब हम मम्मियों के पास जाते हैं, चाहे यहाँ वाली मम्मी हो चाहे ऊपर वाली मम्मी हो, हम खूब सारी चीज़ें लेके जाते हैं और उसको खुद ही खा के आ जाते हैं। क्यों मम्मी हम आपकी चिज्जी खा रहे, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी सारी चिज्जी खा ले आपकी, सारी खा लो, बच्चों के लिए होती है चिज्जी, मेरा तो बुढ़ापा है अब। नहीं अभी मम्मी तो जवान है। हाँ अपने आप को बूढ़ी बोल रही है मेरी मम्मी, इतनी यंग मम्मी है हमारी, इतनी मम्मिया हमारी बड़ी यंग है यार, है ना? पापा भी हमारे काफी यंग है, हमारे यंग पेरेंट्स है और अपने आप को बूढ़ा बोल रहे हैं। अच्छे बनाए हुए है ना चमचम, अलग होते हैं उसके फ्लेवर के जैसे मतलब। यस ये तो मेरी फेवरेट मिठाई है ना, तो ये तो मैं लाऊंगी चमचम चमाचम। सो हम लोग जो है फिलहाल अभी डिनर बना रहे हैं और यहाँ पे जो है मम्मी डिनर बना रहे हैं, हम लोग तो रेस्ट कर रहे हैं फिलहाल, हम लोग फिलहाल खा ही रहे हैं। आए हाय छोटी है। ये है हमारे हिमाचली बंदा, हिमाचली दिखाना। और पार लगे हैं फंक्शन में सॉन्ग्स, तो निकी थोड़ा अपनी स्किल्स भी दिखा रहे हैं, डांसिंग स्किल्स।
पहाड़ों में हमारे हिमाचली बंदा, ये है हमारा पहाड़ों का लड़का पहाड़ी लुक, पहाड़ी लुक का लड़का जिसे देख के अंग अंग भड़का किसी का अंग अंग नहीं भड़का आपको देख के। अब मेरी लुक लड़कों की बात, मैं भी पहनती हूँ। दो इधर पहाड़ों की लड़की कैसी लगती है? पहाड़ों की लड़की, पहाड़ों की लड़की सब पे भड़की, पहाड़ों की लड़की सबकी आंख अड़की। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। पहाड़ों की लड़की सबकी आंख अड़की, पहाड़ों का लड़का देख के अंग अंग भड़का। नहीं, पहाड़ों का लड़का सब पे भड़का कि मेरी लड़की पे नजर क्यों डाली। सो व्यूवर्स, आई होप आपको हमारी वेजिटेबल्स पसंद आई होगी। फुल ऑर्गेनिक आप देख सकते हैं, मज़ेदार, शानदार और कलरफुल। आप देखिए कितना प्यारा कलर है पूरा। सो आप भी उगाते रहें इस तरह की, क्योंकि फ्रेश फ्रेश वेजिटेबल खाना सेहत के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। और नो डाउट काफ़ी मेहनत इन चीज़ों में लगती है, ऐसा नहीं है कि एक रात में ही हो जाता है सब कुछ। बहुत मेहनत करनी पड़ती है तब जाके रिजल्ट मिलता है। तो जब हम इतने छोटे से लेवल पे कर रहे हैं तो हमारे किसान भाई तो कितने बड़े लेवल पे करते होंगे और कितना दिन रात मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं। और जब बारिशें नहीं होती है तो डिसअपॉइंटमेंट भी होती है, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट। फिर तो रात भर फवारे ही चेंज करने लगे रहना पड़ता है। और जैसे कि मम्मी का किचन गार्डन आप लोगों ने देखा, तो मम्मी जस्ट इस किचन गार्डन की वजह से हमारे पास शिमला भी नहीं आते, सिर्फ इसकी वजह से। इनको टेंशन होती है मेरे किचन गार्डन में सब्जियां सूख रही है, बारिश नहीं हो रही है, कौन बारिश पानी देगा। तो जो तो किसान है जो इस लेवल पे खेती बाड़ी कर रहे हैं उनको कितना डिसअपॉइंटमेंट होता होगा जब बारिश नहीं होती है। सो किसान को रिस्पेक्ट कीजिए और उनके एफर्ट को अन्नदाता हो। सो हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहे, हम इसी तरह के न्यू ब्लॉग आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। सो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अस्ता ला विस्ता और इंजॉय करें। Bye.